दिख रहा, हमारे साथ ही हॉस्पिटल में जाए और ना ही दिख रहा उसको, हमारी दर्द बेदार आई है, क्यों नहीं सुन रहे उसे, क्यों नहीं देख रहे उसे, क्यों नहीं बोल रहा वो। हमारा जो अनशन है ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी आएंगी। दिवाली काली गई है, तुम्हारी राखी भी काली जाएगी। अब की बार हम नहीं उठेंगे यहाँ से अपनी मांगे पूरी करने के बिना। ये कान होते बहरे, आँख होते अंधे और जुबान होते गूंगे हो, दिखता कौन है मुख्यमंत्री जी? कि मैं किसी राजनीति वाला लकड़ पका बागड़ बिला कुकर मुता दौड़ कपाड़िया का किसी के मनारे लाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए यह वीडियो है। मुख्यमंत्री जी को नायब सैनी, नायब सैनी हाय हाय के नारे लगे हैं या जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे यहाँ पे। एक साल पहले मुद्दा उठाया था, इनकी कुछ समस्या सुलझी थी, लेकिन वो काम हो गया आसमान से टपका खजूर प्या के लटका। कौन है जो वो कमी ढिकड़े तोड़ रहा है? नुकार ना अन्याय करो ना सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। अगर आप माननीय मोदी जी का सपना साकार करना चाहते हो, उन्होंने एक सपना देखा था कि देश स्किल इंडिया बने, तो हम भी चाहते हैं कि हरियाणा स्किल हरियाणा बने। और स्किल हरियाणा अगर आपने बनाना है तो वोकेशनल टीचर्स को सम्मान आपको देना पड़ेगा। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल मैं पंचकुला का सेक्टर 5 से लाइव जुड़ गया हूँ। आज तक ठीक साल पहले मैंने मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा दोबारा मुद्दा पड़ रहा है। कौन उस मुद्दे की हत्या कर रहा है? और जिस तरह मेरा हाथ में पानी की बोतल देती हूँ भाई, दियो या पानी की बोतल, देखो देखो मैं दोगली नीति का खुलासा करूंगा, एक आंटी में दो पेट की बात करूंगा, शुक्र करें सरकार। या बिस्लेरी की बोतल मान लो सरकार बनावे है, अरे एक जना का रेट काट दिया बिस्लेरी का 20 रुपये, और दूसरा खातरनू का देना तो हमने 20 में बेचने देवांगे, तो हमने देनी 11 रुपये की, इतना अंतर होता रहा उसमें उसका भी, तो हमने देनी बोले 11 रुपये की। और देखो सरकार दोनों हाथ लाइसेंस दे रही, एक तक कह दिया भाई इतना 20 की बेचनी, और एक तक कह दिया इतना 11 की बेचनी, तो 11 अड़क लग के हुई दुबैत, क्या हुई कोई नहीं तो बात। तो नू ये तो वोकेशनल टीचर है ना, ये तो वोकेशनल टीचर है, इन्होंने मार्गल दोगली नीति कर रखी है, डिप्लोमेटिक चल रही है नीति, मैं इलिजिबल हाँ, क्राइटेरिया हमारा ओके है, सारा कुछ ओके है, उसके बाद भी कौन है जो वो कमी ढिकड़े तोड़ रहा है? क्या मुख्यमंत्री तक बात नहीं जा रही? क्या CID वाले अड़कम ले रहे हैं? क्या राजनीतिक तंत्र ये कह रहे भाई कुछ नहीं जी तो एक जा रहे हैं, कुछ नहीं इनका पल्ला है तो बहुत कुछ, प्रजातंत्र की ताकत बहुत बड़ी हो है। क्या इनके रिश्तेदार को नहीं? क्या तारी रिश्तेदारी को नहीं? 2000 लोग हैं, कितने रिश्तेदारी होगी? और रिश्तेदारी की कितनी रिश्तेदारी होगी? और जब सरकार हम वोट बैंक की बात करा तो तारा पल्ले कितनी वोट होंगी? पूरा हरियाणा में कितनी वोट होंगी तारा पल्ले? और इलेक्शन कड़े हैं जमा, स्टैंड के ऊपर है, इलेक्शन सिर पे है। तो मैं यह कहूं बात, मुख्यमंत्री जी आप नए नए मुख्यमंत्री बने हो, यह वीडियो सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए यह वीडियो है। जब आपके चेले चपाटे आप तक बात न पहुंचा रहे हो तो यह बात पहुंचाना है यहाँ। एक साल पहले मुद्दा उठाया था, इनकी कुछ समस्या सुलझी थी, लेकिन वो काम हो गया आसमान से टपका खजूर प्या के लटका। एक गाना था कुछ ऐसा कर कमाल, अक मैं तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का भी नहीं फिलहाल, कि मैं तेरा हो जाऊं। तो ये किसके हो जाओगे हैं आप लोग? जब तारी सुनवाई होगी तो किसके हो गए? तुम होगे कि नहीं? एक बार रुक के मार के बताओ, पक्का? दिल तय, आत्मा तय, तन तय, मन तय। मुख्यमंत्री जी और के राम ने लूटोगे? ये देखो क्यूकर जोर लाने लग रहे। और सुनो एक चीज हो रहा, मैं क्यों कड़े पड़ा रहा हूं मैं इनके लिए, क्योंकि वास्तव में इलिजिबल हैं, क्राइटेरिया ओके है, सारी बात ओके है, फर्क क्यों, दुबैत क्यों, काणी बांड क्यों, एक आंडी में दो पेट क्यों, यह बात सोचने की है। बोल हाँ जी, आज अनुप जी आज जुकर बोर्ड पे बड़का ने समझाओ नहीं तुम न्यू, हालांकि कहना बनता को, लेकिन आज इस वोकेशनल जो टीचर की एसोसिएशन के प्रधान है अनुप जी,
मैं मुख्यमंत्री जी को बोर्ड पर समझाने लग रही हूँ। एक किस्म है, मुख्यमंत्री जी को बताओ, उनकी थोड़ी चौन तोड़ो, नायब सैनी जी की बताओ भाई, आप लोग क्राइटेरिया में आओ नहीं, पूरा डिटेल तो बताओ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ, शेयर कर लियो भाई, अलग अलग लाई भाई, हम पूरे तरीके से क्राइटेरिया में आते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये कहते हैं कि आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत आते हैं, उनको भी ये मैं बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, जो कर्मचारी, हम कर्मचारी हरियाणा के हैं, हरियाणा के स्कूलों में काम कर रहे हैं, आपके स्कूलों में काम कर रहे हैं, और आपने ही नियुक्ति दे रखी है, ठीक है, तो आपके ही कर्मचारी हुए। अगर नियुक्ति पत्र आपके हाथ से आपकी सरकार के द्वारा जारी है तो आपके कर्मचारी है। दूसरी बात क्या है, हम आपके लिए फायदेमंद इसलिए हैं कि बाकी कर्मचारियों का पूरा वेतनमान आप दे रहे हो, हमारे वेतनमान में तो केंद्र सरकार आपका सहारा लगा रही है, तो ये फायदेमंद हुआ, घाटे में हुआ, ये फायदेमंद हुआ, लेकिन सरकार इसको उल्टा लेके पड़ी है। दूसरे कर्मचारियों का तो अगर 70,000 वेतनमान है पूरा का पूरा आप दे रहे हो, और हमारे वेतनमान में किस्सा केंद्र दे रहा है, तो वो आपके लिए फायदेमंद है। आप इस चीज को एक बार समझिए बैठ करके, या आपके समझ में नहीं आता तो सभी अधिकारियों को हमारे साथ बिठाइए, मैं एक एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, मैं हाँ या ना मिलूंगा आपसे जवाब, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी और जो क्राइटेरिया जिनकी सैलरी आपसे 29,000 के लगभग आसपास ज्यादा है, उनकी जो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया आपसे ज्यादा है क्या? बिल्कुल सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम है। हाँ जी। और इससे सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे पास, अभी मैं डायरेक्टर साहब की टेबल पर रख के आया हूँ, आसाम का एग्जांपल है, पीजीटी का पे ग्रेड है और 60 साल तक की जॉब सिक्योरिटी है, एक्ट आया था वोकेशनल टीचर्स के लिए, वो अब डायरेक्टर साहब की टेबल पर फुट करके आया हूँ। देखो ये कहा भाई, क्राइटेरिया सेम, क्वालिफिकेशन सेम, हाँ एक अंतर है, काम ये ज्यादा करें उनते हैं, काम ये ज्यादा करें है, जो अंतर है। और जब क्राइटेरिया सेम, क्वालिफिकेशन सेम, तो सरकार कौन से काम कर रही है? सेम सेम, कौन से काम कर रही है सरकार? है दोबारा बोलियो, सरकार कैसा काम कर रही है? कैसा काम कर रही है? तो सेम सेम में भी अंतर है, सरकार ने समझनी चाहिए, इस सेम में और उस सेम में अंतर, और इन में अंतर में जो आपने जो 29,000 वाले फालतू वाले सैलरी वाले हैं उनमें इन में अंतर नहीं समझ पाए। हाँ अंतर है, ये काम ज्यादा कर रहे हैं, और आपने जुकर उसमें मशीन में जूस काटने की मशीन में गंडाली में पीढ़िया ग्रहण पीट रखे हैं। वास्तव में अभी मेरा ध्यान अनूप जी की तरफ था, ये बोल रहे थे, इनका मुंह सूखा पड़ा भीतर है, बोल बोल के, बोल बोल के, बोल बोल के, किस लिए है? अनशन पे है। हाँ वही तो देखो ना ये, और ये आपकी लड़ाई है, नुकार ना अन्याय करो ना सहो, अन्याय करना पाप है, तो अन्याय सहना पाप नहीं है, महापाप है, महापाप। और थोड़े चौन तोड़ो जी मुख्यमंत्री जी की, और हालांकि आपको बोलना कम होगा लेकिन फिर भी काम काम की बात कर लो, बाकी गड़े में पढ़ा लो जी। काम काम की बात ये है कि अगर हरियाणा को आप वाकई में आगे ले जाना चाहते हो, अगर आप माननीय मोदी जी का सपना साकार करना चाहते हो, उन्होंने एक सपना देखा था कि देश से बेरोजगारी कम होए, देश स्किल इंडिया बने, तो हम भी चाहते हैं कि हरियाणा स्किल हरियाणा बने, और स्किल हरियाणा अगर आपने बनाना है तो वोकेशनल टीचर्स को सम्मान आपको देना पड़ेगा। अच्छा एक बात हो, अगर देखो कई बार कहा नहीं रहा बोला, ई बट वाई गा गेगी अड़े के तड़े, गाड़ी का कटड़ा बांध दिया जावे, बहानेबाजी होती है, जो निचले कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के इनपुट ऐसी दे रहे होंगे जिस तक मुख्यमंत्री जी का बात समझ में ना आ रही हो या उन तक पहुंच ना रही हो, ऐसा आप मुख्यमंत्री जी तक पे बता दो लाइव में, भाई ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, जो भी है आप एक बार बताओ। इसमें सबसे बड़ा जो पेच फंसा है वो दूसरों कर्मचारियों को लेकर के वोकेशनल टीचर्स को कहीं ना कहीं पीछे ले जाना काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारी भी ये जानते हैं कि ये वाकई में योग्य भी हैं और इनकी भविष्य में जरूरत भी है। मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षा विभाग में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है उसमें 40% हिस्सा वोकेशनल एजुकेशन का है, जिसको साकार करने के लिए कहें, हम लागू करने के लिए हम कहें, तो वोकेशनल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी और इन्हीं वोकेशनल टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी जरूरत।
हाथ खड़े करके बताओ, पड़ेगी जरूरत? पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। अरे क्या पड़ेगी? मैंने सोचा सरकार को पड़ेगी, सरकार भी पड़ जा रहा है, क्योंकि गलत काम करोगे तो सरकार भी पड़ जा रहा है। हालांकि मैं किसी राजनीति वाला लकड़ पगा पागड़ बिला कुकर मुता दौड़ कपाड़िया का किसी के मन नारे लाता, लेकिन इनका काम बन जाए। आज मैं तारा मुंह तो मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लुवा दू। मैं है नहीं, 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 एक बार बताऊंगा क्यों जी। हाय भी कर दो, एक बार हाय कर दो। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी लागी हाय आए। आरिफ सुनो, ये जिंदाबाद के बिला नुआ नहीं, उन्हें बेरा होना चाहिए जिंदाबाद बिला। नायब सैनी, नायब सैनी, नायब सैनी। लो मुख्यमंत्री जी, दोनों डाल के नारे हैं आपके लिए। ऑप्शन दो हैं, केपीसी वाला करोड़पति हो गया तो कौन बनेगा करोड़पति? ऑप्शन ए हाय हाय, ऑप्शन बी जिंदाबाद। तब मुख्यमंत्री जी ने सोचना है भाई, आप जिंदाबाद को चाहते हो या हाय हाय को? और हाय एक पीड़ित की, दुखी की, शोषित की, वंचित की, जो हाय वह जो हाय है नी, वह हाय ले बैठा रहा है, ले बैठा रहा है। मुख्यमंत्री जी मन तो जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। मेरा काम नहीं है यू, पत्रकार का काम नहीं है यू, लेकिन ज्यादा लगवाए मैंने ये नारे ताकि इनका नू बेरा पड़ जाए, इनका अंदर दुर्भावना को नहीं, ये काम नहीं इनका, इनका बन रहा है, इनके गल न्याय नहीं इनको दिया, इसलिए तो इन्हें कोई शो काट है। अरे बारिश का पानी मन देखे डोल लार की बार अटियो में थोड़ा नून देखो, पानी रोकने खातर चुकर आड़े पानी भी आंदा होगा, सारी बात है। इन्हें कोई शौक है? अरे ये तो बहने बैठी हैं, ये बालक, ये बालक भी बीच में घूम रहे हैं। देखो आप, देखिए भाई ये छोटे बच्चे बताया कर लो मुख्यमंत्री जी। देखियो आप, सांप भी है, सुअर भी है, सांप भी। चलो हाँ भाई, ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, देखियो भाई, देखियो इन बच्चों का। मुख्यमंत्री जी पुण्य कमा लो, एक तो सीएम हाउस में देसी गाय बांध लो। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा, छोटाला, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, हर मुख्यमंत्री के टाइम पे देसी गायें थी सीएम हाउस में। आज पाप से त्रयाग सीएम हाउस में गायें को नहीं, और गाय तो बांध लियो, कहते अमरीकन बांध लियो, देसी बांधियो, देसी गाय बांधने की अपील। अरे सुनो एक चीज और कुआ लू तरफ, सीआईडी वाले लोग खड़े हैं, आड़ा मन बेरा है ले भाई, सारी पूछाई थी सीआईडी वालों के दादी पूछाऊ, और जब नहीं पूरी पूछाओगे तो हमारा चैनल पे लाइव है, देख लियो। अच्छा एक बात बताओ, यह सरकार राम राम वाली है नी? राम राम वाली है का आराम आराम वाली है? राम राम वाली का आराम आराम वाली, गणा राम वाली भी है, क्यों काम तुम्हारा राम राम तक रहे हैं? सरकार सरक सरक के चलने वाली सरकार, यह सरकार है गवर्नमेंट है, अंतर है इसमें। सरकार वह जो सड़क सड़क का काम करे, गवर्नमेंट वह जो गोर तक काम करे। तो बताओ सरकार है गवर्नमेंट है जो सड़क सड़क का काम करे? राम राम आड़े हैं का आराम राम तक खंडाड़े हैं? इतना आराम तक काम करोगे तो काम होगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। आप जब सरकार की बात है, सरकार इतना जागेगी, इतना आपकी वोट खिसक चुकी होगी, और उसका नतीजा क्या होगा? देखो लोकसभा का नतीजा मुख्यमंत्री जी, आपके अपने आदमी शायद आपको नहीं बता पाऊ, मैं खुल के बताऊ, खुल के बताने लग रहा हूं मुख्यमंत्री जी। सरक लिया वोट बैंक तारा, और सरक सरक के सरक सरक के सरक सरक के रोज तकानी जाने लग रहा है, और रोज तकानी का जो जलजला चल लगा, फिर जलजला सारा सोचने गेल लेंदा चल लग रहा है। यह बात समझ मानी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। यह बात इसलिए कहूं, अकेला ही नहीं इनकी बात नहीं, जब और किसी के लिए भी अन्याय हो रहा है, उनकी क्राइटेरिया पूरा, एलिजिबिलिटी पूरी है, तो फिर ये भेदभाव बंद करो। बदली भी नहीं करवाते आप लोग, तो लोग बदला भाई, बदली भी नहीं होती छोटी मोटी तो लोग के ले होंगे, फिर बदला बदली नहीं होगी तो लोग के ले होंगे, खेले होंगे ताई बदला, खेले होंगे बदला, खेले होंगे बदला, खेले होंगे बदला। ये देखो यू बदला, आज जिस वीडियो मुख्यमंत्री जी आपके लिए किसी पत्रकार ने बनाई नहीं होगी, लेकिन मैं कहूं आप न्याय करो, मैं गला पाड़ का छाती ठोक कर डंक की चोट पे नाड़ ठा के आंख मिला के मैं कहूंगा वाह मुख्यमंत्री जी वाह। आप तो आपने सुना है, सुना आपने तो नहीं, वो काम हो जाएगा। ये कान होंदे बहरे, आंख होंदे अंधे,
और मुंह जुबान होंगे गूंगे हो। दिखता को नहीं मुख्यमंत्री जी आपकी सीआईडी ने? दिखता को नहीं ये जो बहने बैठी हैं, ये भाई बैठे पीछे अपनी हक की लड़ाई के लिए बैठे ही हैं। एक बार नहीं मुख्यमंत्री ने राम राम करकर भेज दो, मैं कुहाऊंगा तर पे उराना जा राहुल सारे दिखने चाहिए आड़ा जा। मुख्यमंत्री जी राम राम करवाऊं इनकी वोकेशनल टीचर के जो पीड़ित बैठे हैं, और जब कोई टेक्निकल इश्यू हो तो बहाना उसका है नुका आ रहे बोला भजन कराया कर बोला भजन भी करके देख लिए। ये देखो ये बैठे बेचारे एक बार देखो 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 पीछे पीछे बच्चा है उराना जा। एक बार ना मुख्यमंत्री जी को राम राम कर दू, एक मिनट ले भाई ऊपर ले एक सुर में मुख्यमंत्री जी को राम राम, मुख्यमंत्री जी को राम राम, मुख्यमंत्री जी को राम राम, मुख्यमंत्री जी को राम राम। चलो मेरा काम पूरा। ये मुख्यमंत्री जी आपके पाड़ में गेंद है, आपका हाथ में है, आप ईट विकेट होना चाहते हो या खुद गोल में डालना चाहो जी? हमारे इस आंदोलन को 52 दिन हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक दल हमें समर्थन भी देना चाहते हैं, लेकिन हम इस आंदोलन की राजनीतिकरण नहीं होने देते। मैंने सबको मना किया, सिर्फ बीजेपी के हम सिर्फ ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप वोकेशनल टीचर्स की सकारात्मकता को समझे। हमने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा, हम कभी रोड पे नहीं गए कभी भी। पुलिस ने जो 25 हिदायतें हमें लिख कर दी है एक एक का प्रोटोकॉल का हमने पालन किया है। विभाग ने कहा कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, मैंने उस बात को स्वीकार किया, सभी साथियों को स्कूलों में भेजा। तो इतनी सकारात्मकता के साथ चलते हुए भी अगर सरकार हमारे साथ सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगी तो ये बेहद निराशाजनक है। कोर्ट में भी गए हो क्या? कोर्ट में भी गए? हाँ जी कोर्ट कोर्ट नहीं, हम आज तक कोर्ट में भी नहीं गए। ओ चौला पाट का मुख्यमंत्री जी तो कोर्ट में भी नहीं गए, और इस ऊपर के राम ने लुटोगे? देखियो किसी राजनीति आला का राजनीति नहीं होने देंगे। इतनी बात भी शायद मैं कर गया है, मैं मेरी मेरी पत्रकारिता जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय इससे ऊपर उठ गया है, मेरा किसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं भाई, मैंने इनके लिए करी है ये तो चीजें हैं। और अनूप भाई तो कह रहे हैं बोले हम तो कोर्ट में भी कौन गए इनके खिलाफ, और कोर्ट में जिस दिन जाओगे शायद ओन दे मुंह सरकार हार जाएगी, हार जाएगी, क्योंकि कानून ही कहता है बोला 100 दोषी बचो या फंसो, लेकिन एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो ये निर्दोष है या बात साबित हो ही है, क्योंकि इनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टनाटन है, काम ज्यादा कर रहे हैं, यू इनका बोनस प्लस पॉइंट है। आपने 29 का कैप है क्या तनखा का? 24,000 रुपया 24,000 का। मुख्यमंत्री जी 1,000 ऊपर बढ़ाया कर दियो, 25,000 बढ़ाए दे इनके तो, क्योंकि क्योंकि देखो यू 30 का त्योहार भी बिग है, 30 हो ही अपने जो भारतीय त्योहार है ये रक्षाबंधन आने वाली है, रक्षाबंधन में देखियो सारी पहुंची पहन देंगे आपको कौन हथेंगी है, और स्वतंत्रता दिवस भी है। तो कहने का मतलब आपके लिए एक अच्छा अवसर है पुण्य कमाण का, कमा लो पुण्य। मेरा तो सुझाव यू है बोले रे तुम एक सलाह दूं, बोले भाई सलाह देश के तनखा देने रहा, तो सलाह तो मेरी मुख्यमंत्री जी आए है, आप इनकी सुन लो लेकिन टेम रहने सुनो। धन्यवाद। और एक मिनट एक छोटी बात देखो, एक देखो मैं गाय के प्रति बहुत, मैं गाय ने सबसे बड़ा देवता मानू, आचार्य देवव्रत जी हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के, मैं उन तक भी पहुंचाऊंगा ये तारी बात, जो फिलहाल वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल हैं, उनकी एक मुहिम है प्राकृतिक खेती, किसान जमीन और गौ मां तीनों बचेंगी। तो आप लोग जो भी किसान परिवार से जो भी हो प्राकृतिक खेती शुरू करो, या मेरी अपील है जहर मुक्त खेती होगी नहीं, बड़कन के खुआवांगे जहर की खेती खुआओगे और ये आगे ने कुछ बेरन पड़ता है, और डॉग चाउमिन पिज्जा बर्गर ताता कुत्ता मोमोज मोमजा में खा के ये माँ तो मम्मी बन गई, और मम्मी तो आजकल मेरे ख्याल ममा बन गई, ममा बुरा हाल हो रहा है। ठीक है जी कर दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो हमारे साथी हमारे जो साथी आज आमरण अनशन पे बैठे लगातार 3 दिन से बैठे, इनमें से 5 साथी आज सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उधर बैठे बैठे महिलाएं भी भर्ती हैं और पुरुष भी भर्ती हैं। बैठ जाओ भाई
चलो ये देखो, चलो ये नुकार है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिन्हें पढ़िया नहीं दिखा उन्हें खड़े आगे दिखेगा। देखो आप मुख्यमंत्री जी, देखो 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 ये गाड़ा, ये जो माला इन अपने गले में गाल देखी, काम नहीं बैठते हो, ये गले में तो माला कैट के आपके गाल देंगे जी, अपनी माला गले में तो कैट के, जो तेरा काम नहीं बैठ दिया, जो तेरी डिमांड है, तो मुख्यमंत्री गाल दोगे माला? नहीं गालेंगे जी, ये नहीं गालेंगे आप जी, डाल देंगे। ये मुख्यमंत्री जी काम करेंगे तो बिल्कुल डाल देंगे, काम करे पाछे भी निकाल देंगे, काम करे पाछे डाल देंगे। तो कौन था, समझ में नहीं आई फिर यू बना बना काम ने खराब करेगा। मैंने को काम बन गया तो उसके बाद तो गाल दो कैट के मुख्यमंत्री का। हाँ पूरे तरीके से गाल देंगे जी, और अपना स्वागत करेंगे बहुत अच्छे प्रकार से। चलो सभी कर दो भाई शेर। नुगारा भारतीय नारी सब प्रभारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो इधर आ जाओ, ये लीड छोटी है, बोलो 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 जल्दी, आप नहीं सुनो, दो मिनट है, दो मिनट मैगी बनानी है, दो मिनट में। सीएम बोलो बोलो बोलो। सीएम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे जो अनशन है ये चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी आएंगी। दिवाली काली गई है तो हमारी राखी भी काली जाएगी, अब की बार हम नहीं उठेंगे यहाँ से अपनी मांगे पूरी करने के बाद बिना। हम अपने यहाँ पे हाय हाय के नारे लगे हैं या जिंदाबाद के नारे लगे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई तो मुर्दाबाद के नारे लगेंगे यहाँ पे। देखो पीड़ा है इस बहन जी की, और पीड़ा आ रहा है, एक बात बता दूं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, पहले बताऊं, मेरे ने खोए किसी नेता तक लेना देना नहीं, ये जिंदाबाद मैंने सिर्फ इसलिए बुलवाया तारा 12 बजे को नेगेटिविटी तो कम तम वो सुन लेते, समझ में आ जाता। हमारे अंदर दर्द है वो बोल रहा है, कोई जिंदाबाद या पार्टी नहीं आके बोल रही, हमारा दर्द नहीं दिख रहा, हमारे साथ ही हॉस्पिटल में जाए और नहीं दिख रहा इसको, हमारी दर्द पीड़ा रही है, क्यों नहीं सुन रहे उसे, क्यों नहीं देख रहे उसे, क्यों नहीं बोल रहा वो। देखो बहन जी जो है ना, ये काम बड़ा लग रही है जमा, और ये पीड़ा है भाई, और बार बार मैं कहूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो जब जागो तभी सवेरा, देर आए दुरुस्त आए, मुख्यमंत्री जी संभाल लो और इनका जो समस्या मेट जो जड़ता है।